इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जो अपनी जिसको वो कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लिया है। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि जब 27 में से 24 पॉइंट्स पाकिस्तान ने किए थे, आज जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मार्कस, उन्होंने ये कहा कि 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, अब रह गया एक पॉइंट। और अब जाहिर बात है कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बेसिकली दिस इज व्हाट एफएटीएफ ऑल अबाउट इज। तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है और प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव करनी है उन तमाम ग्रुप्स की और एंटिटीज की जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। ये एफएटीएफ ने कहा है कि उन ग्रुप्स की, एंटिटीज की एंड मे बी इंडिविजुअल्स भी इसमें आते हैं जो, क्योंकि वो वर्ड यूज करते हैं, एंड देयर एसोसिएट्स। और हमें ये बताना है कि आपकी जो पेनल्टीज हैं वो इफेक्टिव हैं। और जब तक पाकिस्तान ये शो नहीं करता, ये आइटम्स क्लियर नहीं करता जो एफएटीएफ है वो, और हमें वेरीफाई नहीं करता, तो ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मैं देख रहा था अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, कब फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अजहर, उन्होंने कहा जी कि हमने कंप्लायंस कर दी है, लेकिन उसकी एफएटीएफ अब इफेक्टिवनेस की भी बात करता है। अब जाहिर बात है इफेक्टिवनेस मींस दैट दे वांट टू कंटिन्यूअसली वॉच एंड मॉनिटर कि जो आप काम कर रहे हैं ये कोई इस तरह के काम तो नहीं आप कर रहे कि आप जिसे कहते हैं ना कि फॉर टाइम बीइंग आप वो मेजर्स ले रहे हैं लेकिन प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे, उन चीजों को नहीं देख रहे। इसमें व्यूअर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो जो पॉइंट है जिसको एफएटीएफ लेकर के हमें दबा रहा है, और मेरा ख्याल है ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, हमने इस पर बहुत टाइम वेस्ट किया है और ये एक नेशनल लॉस भी है कि हमें ये कहा गया था कि आप जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे ऊपर लगी थी वो 1267 एंड 1373 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दैट इज अबाउट आफत सईद। और अब ये जो चीज थी ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीज अभी हो रही है। ये अगर चीज पहले हो जाती तो आज हमारी इस चीज से हमें जो है वो जान छूट जाती, लेकिन क्योंकि आफत सईद के ऊपर हमने उस वक्त ये समझा कि ठीक है इस मसले को लिंगर ऑन करते रहे और एक मोटिव ये था कि शायद हमें खामोश रहना चाहिए, अभी तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और इसको बाद में देख लेंगे। जिस तरह हमारी एक अप्रोच ये है कि हम फायर फाइटिंग करते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमें वाकई चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए, हम ये समझते हैं कि चीजें जो हैं उनकी फायर फाइटिंग करें, अगर हमारे पास एक इशू आ गया तो उसको उसी वक्त एड्रेस करना है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म एज ए स्टेट लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते, जिसको मुझे फिर हमें अफसोस भी होता है और फिर एक हमारी हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती है, जो पिछली हुकूमत होती है वो उससे पिछली हुकूमत पर डाल देती है और ये कहते हैं कि ये हमारे दौर में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एफएटीएफ की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं जी हमारे दौर में नहीं, ये तो पिछले दौर से आया, लेकिन अगर माजी में जाएं तो हमें पता चलता है कि हाफिज सईद जो था वो कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं है, वो कोई नया बंदा तो नहीं है, वो पुराना है, हमें पता है उनका माजी क्या है, माजी किस तरह का था। हम बेसिकली हर चीज को जो गलतियां हुई हैं माजी में मानेंगे लेकिन बहुत स्लो मानेंगे, और उसमें फिर पूरी स्टेट को उसकी वो फेस करना पड़ता है, एक एम्बैरेसमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है। गो के हमने बहुत मेहनत की, बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई पाकिस्तान को इन सारी चीजों में, लेकिन अब अगर आप देखें ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो
ये ऐसी चीज थी, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि 1267 एंड 1373 ये एक ऐसी तलवार थी जो पिछले कई सालों से हमारे ऊपर लटक रही है। ये को आज का ये तो नहीं है हमारे ऊपर जो ये डेजिग्नेट किए गए आफत सईद को और उनके एसोसिएट्स को, ये आज तो नहीं हुआ, ये बहुत पहले हुआ है। तो ये क्या हुआ कि हम पहले नहीं कर सके? ये पार्लियामेंट, वैसे तो हम छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी मुस्बत खबरें दें, अच्छी खबर दें, जाहिर बात है अच्छी खबर भी देनी चाहिए और बहुत अच्छी खबरें हैं भी जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन द पॉइंट विच नीड्स टू बी कैप्ट इन माइंड के जब आप एक तलवार आपके ऊपर लटक रही है और उसको एड्रेस नहीं करते और फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम रहती है, तो फिर आप किस तरह अच्छी खबर निकलेगी? हम देखते हैं पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बैठ के, हम नहीं समझते कि पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन ये किस तरह हमें देख रहे हैं, और हमें परवाह भी नहीं है शायद। लेकिन जब हमें आता है कि हमें एक तरफ, आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो हम पे ये कहती है कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस से महरूम कर दिया जाए, बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर आग की तरह फैल गई है, पाकिस्तान फिर से हो गया है ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट फिर से हुआ है। हालांकि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकता था और ब्लैक लिस्ट हो सकता था, जिससे कि पाकिस्तान, मतलब आप समझ सकते हो, और भी ज़्यादा कई तरीके के रिस्ट्रिक्शन से मतलब पाकिस्तान गुजरता, और शायद उसके मतलब जैसे छोटे बच्चे को आप थोड़ा सा सजा दंड देते हो तो वो सही हो जाता है, तो पाकिस्तान में कुछ असर पड़े। लेकिन इस बार दिख रहा है कि पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट हुआ, और इस बार पाकिस्तान की मीडिया, लास्ट टाइम जब ये लोग ग्रे लिस्ट थे तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम ग्रे लिस्ट हुए, इंडिया हमें कुछ नहीं कर पाया, इंडिया हमें ब्लैक लिस्ट नहीं करवा पाया, इंडिया के मंसूबे हुए खराब, इस तरीके की बातें ये कर रहे थे। लेकिन इस बार ये ग्रे लिस्ट पर मायूस हैं दोस्तों। ग्रे लिस्ट ये लोग सोच रहे थे कि इस बार ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी ये वो फलाना ठिकाना जमाना सब कुछ मदद कर देगा और किसी भी तरीके से हम लोग ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको भी पता है ये लोग आतंकवादियों को खुलेआम सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को लेकर फंडिंग वगैरह बाहर करते हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट दो टाइप की लिस्ट ही होती हैं केवल, इसके अलावा कोई भी लिस्ट नहीं होती है। ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम कब वाइट लिस्ट होंगे, तो वाइट लिस्ट नहीं होती है, केवल दो लिस्ट होती हैं, और या तो कोई देश इन दोनों लिस्ट में होता है या इन दोनों लिस्ट से बाहर होता है, तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए अगर आपने किया नहीं है तो।